अच्छा जी हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिजॉल्व करना और आप मेरे साथ तकरीबन पिछले कई दिनों से लीनियर अजबरा सीख रहे होंगे या आपके पास ये पहली वीडियो आई होगी या पहला लेक्चर आया होगा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को देखने से पहले अपनी नोटबुक पास रखें अगर आपने अभी तक मेरी सिर्फ लेक्चर ही सुन रहे हैं नोटबुक आपके पास नहीं है सो तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि नोटबुक अपनी पास रख लें क्योंकि हम अब जिस सोल्यूशन की तरफ जाने वाले हैं दैट इज मैट्रिक्स मैथड मैट्रिक्स के थ्रू हम किसी किस तरीके से किसी भी इक्वेशन को रिजॉल्व करते हैं लेट्स डाइव इन टू इट मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है और मैट्रिक्स मैथड एक ऐसा मैथड है जिसके थ्रू मैट्रिक्स मैथड जिसके थ्रू आप अननोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बेस पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक वैल्यू आ जाती है मैं उसके थ्रू किस तरीके से अपनी पूरी की पूरी इक्वेशन को रिजॉल्व कर सकता हूं मेरे पास एक इक्वेशन है जिसका ये एलिमेंट्स है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू आठ एंड x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ये मेरे पास इक्वेशन है हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है एंड देन वी विल रिजॉल्व दिस तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा टू वन थ्री माइनस टू ये हमारे पास है कॉफिशेंट्स का मैट्रिक्स देन हमारे पास अगला मैट्रिक्स बनेगा x और y का ठीक है एंड देन हमारे पास अगला मैट्रिक्स बनेगा एट एंड माइनस थ्री का ठीक है ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स बनते हैं अगर हम ये पहले मैट्रिक्स को यह जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स बना है इसको हम बोलें ए इज इक्वल टू टू वन थ्री एंड माइनस टू तो यह हमारे पास ए हो गया फिर हमारे पास अगर दूसरे को बोलें वेरिएबल्स का मैट्रिक्स को एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई और तीसरे को बोलें बी इज इक्वल टू एट एंड माइनस थ्री ये तीन मैट्रिक्स हमारे पास बनते हैं So, हम क्या कर सकते हैं एक्स को रिजॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से आपने सबसे पहले इनवर्स फाइंड करना है सॉल्व फॉर एक्स करना है और इसका कुछ तरीकाकार ये है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ठीक है तो एक्स का मतलब ये है कि आपके पास जो भी एक्स के अंदर एक्स और वाई है वो किसके इक्वल है ए इनवर्स बी के ये इस इक्वेशन पे अगर आप अमल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लेकिन ऑन अदर साइड आप डिटर्मिनेंट इसका पहले फाइंड आउट करते हैं वो किस तरीके से आप करेंगे आपको पता है कि टू माइनस टू एंड देन माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू वन हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अगर हम दोबारा से इसको लिखें वन माइनस टू तो ये आएगा टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू ये आता है माइनस फोर एंड थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन ये माइनस थ्री आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस करना होता है सो एट द एंड हमारे पास जो determinant है minus 7 है इज अ नॉन जीरो तो हम नॉन जीरो क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं ये कल भी लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था जब कोई डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कोई ना कोई चक्कर पड़ रहा है और उसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं याद आया के के मेथड दौरान मैंने आपको बताया था इस वजह से आप पहले डिटर्मिनेट फाइंड आउट करते हैं so, यही है। so, एक मकसद है इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं इनवर्स को फाइंड आउट करके बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो हमें एक्स की वैल्यू दे देता है अब ये सोल्यूशन को करने के लिए वेट ये सोल्यूशन को करने के लिए आपको पता है कि इन्वर्स हम किस तरीके से लेते हैं हाँ जी ए इन्वर्स किस तरीके से लेंगे आपको पता है कि हमने इन्वर्स का तरीका जो कल देखा था हाँ जी किसी को याद है इन्वर्स का तरीका लेट्स सी क्या आपको कितना तरीका पता है जी इन्वर्स कैसे लेंगे चले जब तक आप सोच रहे हैं कि इन्वर्स कैसे लेंगे मैं आपको यहां पे ये इक्वेशन का मकसद बता देता हूं अगर आप गौर करें तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बनती है ये वाली इक्वेशन ऐसे बनती है कि ये अगर हमारा मैट्रिक्स ए है और ये हमारा मैट्रिक्स एक्स है ये इक्वल टू है मैट्रिक्स बी के तो हमारी इक्वेशन बनती है ए एक्स इज इक्वल टू बी तो जाहरी बात है अगर मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे ले जाना है तो हमने क्या करना है ए का इनवर्स इनटू बी तो ये हमें x की वैल्यू देगा यहां तक क्लियर हो गया इसलिए हमारी ये इक्वेशन मैंने लिखी है कि जब भी x को फाइंड आउट करना है यू नीड टू फाइंड एन इनवर्स ऑफ a और a के इनवर्स से पहले आपको पता है डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है अगर वो नॉन जीरो है देन यू कैन एक्चुअली फाइंड एन इनवर्स तो वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन ओवर डिटर्मिनेंट a और यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ई टी इन टू ए मुझे जो चीज पसंद है मैं इस तरीके से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ। अब पहली चीज तो ये होगी कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो हमने यहाँ पे लिख दिया दूसरी चीज ये ये है जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हमने क्या करना होता है उसमें हमने ये करना होता है आपको भी पता है कि जब भी हम see, आपके मैसेजेस में देख लू एग्जैक्टली exactly, हमने इन दोनों को स्वैप करना है ठीक है स्वैप कैसे करते हैं माइनस टू एंड टू ठीक है two two, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने माइनस वन एंड वन ठीक है समथिंग लाइक दिस सो इस तरीके से हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा और अगर आप गौर करें हमारे पास जो वैल्यू है वन ओवर डिटर्मिनेंट ए की यह है वन ओवर माइनस सेवन और जो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू है दैट इज माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन एंड टू ठीक है अब अगर गौर करें हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं एंड नाउ वी कैन हैव अ लुक ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा तो हमारे पास ये है जी माइनस टू बाय माइनस सेवन पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू है माइनस थ्री बाय माइनस सेवन तीसरी वैल्यू है माइनस वन बाय माइनस सेवन चौथी वैल्यू है टू बाय माइनस सेवन तो अगर गौर करें ये माइनस 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 कट जाएगा हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी टू बाय सेवन थ्री बाय सेवन थ्री बाय सेवन एंड देन हमारे पास आएगा वन बाय सेवन एंड देन माइनस टू बाय सेवन तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी ठीक है और अगर आप इसको रिजोल्व करना चाहें यू कैन रिजोल्व दिस अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस विद आवर जो फाइनल मैट्रिक्स है तो मैं यहां पे अगर लिखूं कि हमारे पास जो x है दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी तो ए इनवर्स की वैल्यू है टू बाई सेवन अब इस इक्वेशन में ए की वैल्यू डालते हैं टू बाई सेवन यह आ गया थ्री बाय सेवन यह हमारे पास आ जाएगा वन बाय सेवन और ये हमारे पास माइनस टू बाई सेवन इसको मैंने लिखा बी की वैल्यू हमारे पास थी एट एंड माइनस थ्री ठीक है अगर हम ऊपर जाके दोबारा से देखें तो एट एंड माइनस थ्री हमारे पास वैल्यू थी गलबन यस दिस वन अब हमने क्या करना है आपको भी पता है कि जो एट है वो पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर जो दूसरा है वो दूसरे के साथ हो जाएगा सो यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई थिंग्स ठीक है दिसक्टर और मेट्रिक का हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं से फॉर अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं तो टू बाई सेवन से मल्टीप्लाई हो गया और साथ ही एट ने होना वन बाई सेवन से ठीक हो गया ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई फिर माइनस थ्री ने इन दोनों से होना है थ्री बाय सेवन मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री एंड माइनस टू बाई सेवन मल्टीप्लाईड बाई माइनस थ्री ठीक है सो इसके बाद हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है वो देखते हैं हमारे पास सिंपली अगर इस सभी को रिजॉल्व करें ना एट द एंड हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा दैट वुड बी अराउंड यहाँ पे प्लस का निशान आना है yes. यहां पे प्लस है और ये माइनस है तो यहां पे प्लस ही रखूंगा मैं इसको सेपरेट रखता हूँ सो एट द एंड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी एक्स इज इक्वल टू वन एंड टू आप चेक करके देख सकते हैं इनको आप रिजॉल्व करके देख सकते हैं आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आप पॉइंट्स में भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ़ फ्रैक्शन तो आपके पास सेम वैल्यू आएगी ठीक है अब इसी चीज़ को अगर हम वहां पे भी चेक करें जो हमारे पास ग्राफिकल इक्वेशन सी तो मैं वहां पे अगर इसको लिखूं तो दिस वुड बी टू एक्स प्लस थ्री वाई टू एक्स प्लस थ्री वाई आप उतनी देर इसको मल्टीप्लाई करके देखें 8 and then x minus टू वाई इज इक्वल टू माइनस तो ये जिला आपके पास इंटरसेक्शन में ये बता रहा है वन एंड टू ठीक है सो मैंने यहां पे पहले नहीं देखा उसको रिजोल्व करके देखा है एंड देन यू कैन है तो एट पास वन एंड टू जो रिजल्ट आ रहा है दैट्स कमिंग लाइक दिस तो हमने क्या करना है सिंपल इज दैट मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है समथिंग लाइक दिस और इस इक्वेशन को इस तरीके से रिजोल्व कर देना है ठीक है ए एक्स एंड बी को इस तरीके से रिजोल्व कर देना है देन वी विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस वन ठीक है सिंपल इज दैट तो इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट एन अनसोल्वेबल नहीं नहीं क्या था अन नॉन वैल्यूज वेरिएबल्स को डिफाइन करके आप इक्वेशन को रिजॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मैथड फिर भी ठीक है बट आई एम जस्ट यूजिंग दैट वन टू टू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन अदरवाइज इस टोटली अप टू यू आपने कौन सा मैथड यूज़ करना है इसकी लिमिटेशन मैथड की और इसके एडवाटेज आप नेट से भी देख सकते हैं आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स क्योंकि लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो रहे हैं तो इस वजह से आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज द इफॉर्मेशन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मैट्रिक्स मैथड कैसे चलते हैं अब कुछ एडवांस मैथड इसकी तरफ हम चलेंगे अगले लेक्चर के अंदर होप फुल आपको समझ आएगी और यहाँ पर हम तकरीबन पांच मिनट की एक ब्रेक ले रहे हैं जो लाइव मुझे देख रहे हैं रिकॉर्डेड सेशन वाले खुद से पाँच मिनट की ब्रेक लें एंड देन आगे मूव करें ले लें पाँच मिनट की ब्रेक ले लें ना मैंने बोला है ना ले लें